फ्रेंड कैसे हो आप सब? बहुत ज़्यादा रूम खोज रहे हो, मतलब सस्ता में रूम खोज रहे हो। बहुत सस्ता, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता भैया, बहुत सस्ता में रूम चाहिए। फैमिली के लिए रूम चाहिए, स्टूडेंट के लिए रूम चाहिए, और आजकल तो बहुत ज़्यादा डिमांडेड में चल रहा है कि भैया मुझे, चार स्टूडेंट हूँ, चार को भाई हूँ मैं, और मुझे 1 BHK का 2 BHK का फ्लैट दे। तो भैया देखिए, 1 BHK में तो चार लोग अवेलेबल नहीं देता, बट 2 BHK में आप चार लोग रह सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, या भाई हो, या कोई भी रिश्तेदार हो, या आपका परिवार का कोई मेंबर हो, या आपका गांव का कोई मेंबर हो, चार को स्टूडेंट मिलकर रहना चाहते हो, तो भाई बहुत ही सिंपल रूम मैं दिला देता हूँ, और अच्छे बजट में। अगर आपको कहीं भी रूम चाहिए, जैसे कि आप मुखर्जी नगर रूम खोज रहे हो, उत्तम नगर रूम खोज रहे हो, नोएडा साइड खोज रहे हो, गुड़गांव साइड खोज रहे हो, न्यू टाउन तरफ खोज रहे हो, लखनऊ में खोज रहे हो, पुणे में खोज रहे हो, गुड़गांव और गोरखपुर और ऐसे बहुत सारी सिटी है जहाँ पे मैं आपको रूम अवेलेबल करवा देता हूँ। और बात आती है भैया, बनारस में नहीं करवाते हो क्या? बनारस में भी करवाता हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बात आती है भैया, पहले मैं आगे कुछ बताने से पहले मैं आपको पहले लाइव दिखा देना चाहता हूँ कि जो मैं एक 1 BHK का रूम दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल, और ओनली कितना? तो पहले वीडियो को देखो ना, उसके बाद रेंट बताता हूँ ना। तो ये वाला 1 BHK का है, इधर बाथरूम है, ये वाला बाथरूम है, कंकड़ बाग में है 1 BHK का, और ये बेडरूम हो गया, पंखा लगा हुआ है आपका, ये बेडरूम हो गया, और इधर आपका किचन हो गया छोटा सा, खाना बनाने के लिए इधर किचन हो गया आपका, और ये आपका रूम हो गया। एल्वेस्टर टाइप का नहीं है, प्लास्टर किया हुआ है, और ये आपका बाकी नीचे टाइल्स लगा हुआ है आपका, और इधर से ऐसे, और इधर आपका रोड है, तो फ्लैट कैसा लगा भैया? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसका रेंट कितना अमित भैया नहीं बताइएगा? इसका रेंट ओनली 2600 रुपया भाई, दो गो स्टूडेंट मिलकर रहोगे 1300-1300 रुपया पड़ेगा, दो गो स्टूडेंट मिलकर रहोगे तो कितना पड़ेगा? 1300-1300 रुपया। और बात आती है भैया, लोकेशन कहाँ पे? लोकेशन आप कंकड़ बाग में जाते हो, बाजार समिति जाते हो, मुसलमपुर हर तरफ जाते हो पढ़ने, भाई कंकड़ बाग में ज़्यादातर लोग आते हैं कंकड़ बाग में पढ़ने के लिए, कंकड़ बाग में ही है। तो जिस किसी स्टूडेंट को, गर्ल्स हो या बॉयस स्टूडेंट हो, या गर्ल्स स्टूडेंट हो, या फैमिली वाले भी जैसे हस्बैंड वाइफ हो तो ले सकते हो, छोटा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना बच्चा है, तो उसके लिए भी आप ले सकते हो, रह सकते हो। तो बात आती है भैया, इससे थोड़ा सा हाई फाई रूम नहीं दिखाइएगा 1 BHK का? तो है ना भाई, एक और रूम है हाई फाई, तो रूम का पहले वीडियो देख लो। एक यहाँ पे है, ये रूम है, ये फर्स्ट बेडरूम है पूरा, अभी थोड़ा इसमें काम चल रहा है, काम कंप्लीट जल्दी हो जाएगा, तो फैन उन सारा कुछ लगा हुआ मिलेगा, तो इसमें देख सकते हो, इधर खिड़की है आपका, और इधर आपका डोर वोर बना हुआ है सारा कुछ, आपको पूरा फर्निश मिलेगा, आपको डोर वोर लगा कर सारा कुछ, यहाँ पे देख सकते हो डिजाइन घर का, तो इसमें डोर वोर सारा कुछ लगा हुआ, जैसे कि आप इसे लगा सकते हो, ऐसे आपका डोर वोर सारा कंप्लीट है आपका, तो सारा कुछ आपको कम्प्लीटली मिलेगा। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, और यहाँ आपका रेस्टरूम है, और यहाँ आपका बाथरूम है, तो बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है। ये हो गया बाथरूम, और ये हो गया इसमें वाइब लाइटिंग वाल, तो इसमें ये लगा फर्स्ट बेडरूम आपका, इधर से नीचे नीचे उतरने की जगह, ये हो गया सेकेंड बेडरूम, सेकेंड बेडरूम में आपका बालकनी अटैच है आपका, देखिए सेकेंड बेडरूम का बालकनी है आपका, मैं इधर से भी दिखा देता हूँ एक बार रूम आपको। हमको लगता है 100% आप सबको पसंद आएगा भैया, ये रूम ऐसा है ही कि पसंद आएगा, बट बोले हो गए भैया बजट बहुत ज़्यादा होगा भैया, मैं तो स्टूडेंट हो, तो भाई स्टूडेंट हो तो क्या हुआ, तीन लोग रह लो, लास्टली मैं तीन लोग के लिए एग्री करवा दूंगा, घर के ऑनर को मैं तीन लोग के लिए एग्री करा दूंगा। अगर आप फैमिली वाले हो ना, तो फैमिली वाले को तो मैं 100% दिलवा दूंगा, 100% दिला दूंगा। तो जिस किसी फैमिली वाले को चाहिए आप जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करें। और मैं एक स्टूडेंट के लिए दिखा रहा हूँ जो ओनली कितना में है, 2200 में, 1 BHK का रूम है, 2200 में है, बट टाइल्स मार्बल नहीं, बट नॉर्मल है, तो उसका पहले रूम का वीडियो देख लो। देखो एक ही रूम ही है, और दो रूम लेगा तो 2600 रुपया मिल जाएगा, कॉमन बाथरूम है, किचन नहीं है, तो ये रूम है, और एक इधर है, एक इधर है, दोनों लेंगे तो 2600 रुपये में दे देंगे,
और ये है लेटरिन बाथरूम।